महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल मौजूदा समय में सोयाबीन 4600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, जबकि कभी इसके भाव 5400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे। दरअसल सोयाबीन के भाव में एकाएक कमी आने का असर मंडियों पर साफ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन की आवक काफी कम हो चुकी है। उधर नंदुरबार जिले में सोयाबीन का रकबा 25,326 हेक्टेयर रहा है। इतना रकबा होने के बावजूद अभी उतनी सोयाबीन मंडी में नहीं पहुंच रही। जानकारों का कहना है कि भाव अधिक गिरने के कारण किसान परेशान है। वो इतने कम दाम पर सोयाबीन फिलहाल बेचने को तैयार नहीं, इसी कारण किसान मंडियों में सोयाबीन बेचने नहीं आ रहे। उधर सूखे मौसम के कारण अर्जेंटीना की सोयाबीन की बुआई में देरी हो चुकी है। बीते साल के इसी समय से बुआई करीब 20% पिछड़ गई है। माना जा रहा है कि ऐसे में अर्जेंटीना की सोयाबीन की फसल भी लेट आएगी। उधर बीते सप्ताह में चुनाव के चलते गुजरात में मूंगफली तेल की आवक बेहद कमजोर रही, जबकि वैवाहिक सीजन की मांग के चलते मूंगफली की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में अगर देखा जाए तो सरसों के भाव उत्तर प्रदेश में काफी नीचे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 8 दिसंबर को सरसों का भाव 156 रुपये प्रति लीटर पर कारोबार करता दिखाई दिया है। जानकारों की माने तो उत्तर भारत में सरसों तेल की खपत सबसे ज्यादा होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में सूरजमुखी, सोयाबीन, पिनोला, मूंगफली जैसे अन्य तेलों की अधिक खपत है। और उधर सप्लाई बढ़ने से भी सरसों तेल के भाव में गिरावट आई है। ऐसे में फिलहाल जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि अभी खाद्य तेलों में शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।